नमस्कार दोस्तों, राम कैलाश दोस्तों प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा 10 दिन से लेकर के 6 महीने तक की ब्याही गाय भैंस के दूध को हम कैसे बहाएं। ये फार्मूला दोस्तों उन पशुओं के लिए है जिनकी पशु अचानक से दूध घटा दिया है, एकाएक दूध घटा दिया है। ऐसा अक्सर देखने को मिलता है दोस्तों कि बच्चा करने के बाद वो कभी भी जो है एकाएक दूध घटा देते हैं, अचानक से दूध घटा देते हैं, जिससे हमारे पशुपालक जो है चिंतित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो उन पशुपालकों के लिए है कि अचानक से घटे हुए दूध को हम तुरंत जो है वापस कैसे लाए, जो हम फार्मूला बताने जा रहा हूं दोस्तों उन्हीं पशुओं को देना है जो गर्भवती ना हो, जो बच्चा दिया है गर्भवती नहीं है, बाकी कितने भी दिन की ब्याही हो गर्भवती नहीं होना चाहिए। अगर गर्भवती है तो ये फार्मूला नहीं देना है। अगर ये फार्मूला आप गर्भवती को देते हैं तो उन्हें क्या है दिक्कत हो सकती है, क्योंकि दूध बढ़ाने वाला जितने भी फार्मूला आपको मिलेंगे, जितने भी फार्मूला आपको बताया जाता है, वो सब जो है तासीर के गर्म माने जाते हैं। इसके लिए ये उन्हीं पशुओं को देना है जो गर्भवती नहीं है। तो इसके पीछे दोस्तों कई कारण हो जाते हैं जिसके कारण जो है दूध घटता है। सबसे पहला कारण दोस्तों हम बता देता हूँ, उस कारण को भी आपको ध्यान में रखना है कि हर 3 महीने में कीड़ी की दवा देना है आपको। बच्चा करने के 20-21 दिन बाद कीड़ी की दवा देना है, उसके बाद फिर हर 3 महीने में कीड़ी की दवा देना है बच्चा करने के बाद। अगर कीड़ी की दवा भी नहीं दे रहे हैं तो भी दूध घट जाएगा, ये दिमाग में नोट कर लेना है। उसके बाद ये सब देने के बाद अगर जो हम फार्मूले की बात करते हैं, जो तुरंत घटे दूध को यानी एकाएक अचानक से घटे दूध को हम एकाएक कैसे तुरंत ही वापस ला सकते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों क्या है, पहला आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चाहिए 5 लीटर पानी लेना है एक बड़ा से बर्तन में। तो बड़ा से बर्तन दोस्तों 5 लीटर पानी डालकर उबालना है। जब उसमें उबाल आ जाता है तब पहला जो आता है आपको चाहिए जो बड़ी इलायची। बड़ी इलायची में दोस्तों कैल्शियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम पाए जाते हैं, जो घटे हुए दूध को, तुरंत घटे हुए दूध को वापस लाने में काफी मदद मिलता है। अगर हम दोस्तों दूसरे तरीके की बात करें तो दूसरा आता है अजवाइन। अजवाइन में भी दोस्तों आपको 100 ग्राम लेना है और ये अजवाइन जो है संक्रमण के कारण दूध कम हो रही है तो भी उसे ठीक करता है। जैसे कोई पशु के अंदर जो है संक्रमण हो रहा है या किसी संक्रमण के कारण आपके पशु का दूध घट रहा है तो ये संक्रमण में जो है काफी जो है ठीक कर देता है। तो जब वो संक्रमण ठीक हो जाएगा, उस पशुओं में संक्रमित हो जाती हैं, तो संक्रमण होने के कारण उनका दूध घटने लगता है, तो जिससे हमारे पशुपालक नहीं समझ पाते। तो ये जो अजवाइन है उस संक्रमण को दूर करने के काम आएगा और दूध को भी बढ़ाएगा। अगर दोस्तों हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो है मेथी दाना। मेथी दाना में आपको 100 ग्राम लेना है। इसमें दोस्तों जितने भी बताया गया है सबको 100 ही ग्राम लेना है। मेथी दाना 100 ग्राम लेना है। मेथी दाना में दोस्तों 25-26% प्रोटीन पाया जाता है और 6-7% फैट पाया जाता है और 58% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ये जो होते हैं दोस्तों ये दूध बढ़ाने में यानी तुरंत दूध को वापस लाने में काफी मदद करते हैं। तो इसको जो है आपको पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद दोस्तों उसके अंदर डाल देना है। डालने के बाद जो है पक जाए अच्छी तरह से, पूरा पाउडर बना लेना है जितने भी आपको बताया गया है। तो तुरंत उसमें दोस्तों क्या है, जब पक जाता है 2.5-3 घंटे पकाएंगे तब अच्छी तरह से पकेगा। पकने के बाद दोस्तों उतार लेना है। उतारने के बाद इसमें लगभग 100-150 ग्राम आपको गुड़ डाल देना है। गुड़ दोस्तों क्या है कि आपकी जो पशु है उसे तुरंत ऊर्जा देता है यानी तुरंत ताकत मिलती है। जैसे देखा जाता है कि हाँ पहले बुजुर्ग लोग जब काम करके आते थे खेतों में तो गुड़ खाते थे, तो गुड़ से क्या है तुरंत ताकत मिलती है। उसके बाद क्या है कि 100-150 ग्राम गुड़ डाल देना है। फिर गुड़ को डालेंगे जैसे तो उसमें हिला देना है, जब ठंडा हो जाता है हल्का गुनगुना रहता है इसे जो है दे देना है। आप चाहे इसे सुबह दे सकते हैं चाहे शाम को दे सकते हैं, एक ही टाइम देना है।
ये फार्मूला आपको 5 से 6 दिन देना है। फिर देखे दोस्तों किस तरह से आपकी जो गाय भैंस का अचानक से दूध घटा है तुरंत वापस आएगा।